हेलो स्टूडेंट, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व करते क्लास नाइन्थ की 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोलता है इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल। तो एक सर्कुलर वेल है, उसका इनर डायमीटर जो है वो 3.5 मीटर है। तो जैसे मान लीजिए सर्कुलर वेल इस तरह का गोल हुआ। अब क्योंकि इसने कहा है कि भाई इनर डायमीटर, तो इसकी कुछ मोटाई होगी इस तरह से है। तो ये अंदर वाला जो इसका डायमीटर है, ये वाला, ये है बोलता 3.5 मीटर, और इसकी हाइट जो है वो है 10 मीटर। तो फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो पहला हिस्सा जो है इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए सिंपल है, जो सिलेंडर का होगा वही हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल हो जाएगा 2πRh के बराबर, 2 × 22/7 × r। तो रेडियस जो है, जो इसका डायमीटर उसका आधा हो गया, तो 3.5/2 × h। तो ये कट जाएगा, 2 × 5 = 10 और 7 × 5 = 35। तो पॉइंट है तो पॉइंट आगे आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 44 × 0.5 × 5, इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 22 × 5 और आ गया 110 मीटर स्क्वायर। अब दूसरे पार्ट में क्या कहता है, देखिए दूसरे पार्ट में कहता था कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। इसके कर्व सरफेस एरिया में कॉस्ट जो है वो है 40 रुपये 1 मीटर स्क्वायर की। तो पूरे में कितनी आएगी, तो कॉस्ट इज इक्वल टू जो पूरा कर्व सरफेस एरिया उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 मीटर स्क्वायर का जितना रेट है। तो 1 मीटर का स्क्वायर का रेट है 40, तो आ गया 4,400 रुपीज़, इस तरह से आ जाएगा। तो बस इतना ही था, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, किसी और क्वेश्चन में डाउट होगा वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।